हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन है, कृष्णा जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर इस प्रॉब्लम क्वेश्चन को पढ़ा दीजिए। बाकी सभी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप क्लिक करके सभी क्वेश्चन की सभी एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे लिखेगा, आने वाली वीडियोज पे #AskQuestion करके उन क्वेश्चन को पढ़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इनको प्रॉब्लम है फिलअप्स में, कैसे इसको फिल करेंगे। बिल्कुल इजली है, बहुत ध्यान से पढ़िए, शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए जिससे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, -12 है प्लस -9 है इक्वल टू इन ब्रैकेट दिया गया है आपको फिलअप्स में, और ये प्लस और -12 लिखा हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह के कुछ फिलअप्स क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात देखिए इक्वल टू साइन मिला हुआ है, तो इक्वल टू के साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS इसको हम लोग कहते हैं, और इक्वल टू के ये साइड जो आप कहेंगे इनको हम RHS यहां पर कहते हैं। नंबर देखिए, सबसे पहले जब भी आपको इस तरह की फिलअप्स इस पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो देखिए कि क्या नंबर मैच हो रहा है। -12 देखिए यहां पर मिल रहा है, यहां पर भी -12 आपको मिल रहे हैं, और यहां पर देखिए -9 है, तो यहां पर क्या नहीं है, बस जो नहीं वही आपको राइट करना है, यानी -9 यहां पर हम राइट करेंगे, इट इज अ राइट आंसर। ये हो गए कंप्लीट। आपको इस तरह कभी भी फिलअप्स क्वेश्चन इस तरह आए तो आप बड़े आराम से बड़ी इजली तरीके से कर सकते हैं। -12 मैच हो रहा है, जो नंबर मैच हो पहले मैच करा लीजिए, जो नंबर मैच नहीं हो बस उसी को आपको आंसर वहां पे लिख देना है। तो -9 है तो यहां पर आपको -9 नहीं है, तो यहां पर -9 फिलअप करेंगे, इट इज अ राइट आंसर कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है, बी और सी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। डी क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दीजिए। 112 आपको मिल रहा है, ये देखिए RHS साइड 112 आपको नहीं मिल रहा है। -15 देखिए, -15 मैच कर रहा है ना, -15 मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 21 भी यहाँ पे मैच कर रहा था, 21 भी मैच करा लीजिए। नंबर क्या मैच नहीं किया है, तो 112 तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, 112 यहां पर लिख दीजिए, इट इज अ राइट आंसर कंप्लीट। बस इस तरह आपको ये फिलअप्स करने हैं, ये ए और डी तो बिल्कुल इजली है और बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होती है बी और सी, तो ये भी इजली है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कैसे होंगे, ठीक है। देखिए बी में दिया गया -45 प्लस और स्पेस दिया गया है, फिर -45 लिखा हुआ है, तो देखिए -45 LHS में और -45 यहां पर भी है, तो क्या नहीं है। तो भाई देखिए नंबर्स तो कोई मैच हो ही नहीं रहा, दोनों तरफ हमें मिल गया -45। तो यहां पर समझने वाली बात है कि -45 में क्या प्लस कर दें, यानी प्लस मतलब क्या प्लस कर, कौन सा नंबर आप डिजिट प्लस कर दो कि -45 मिल जाए। तो आप भी जानते हैं कि अगर हम 8 में 0 प्लस कर दो तो आपको 8 नंबर फिर मिल जाएगा, मतलब हेक सपोज आंसर बता रहे हैं, अगर किसी भी नंबर पे हम 0 प्लस करते हैं तो वो नंबर आपको फिर से मिल जाता है। तो बस वही है कि -45 में क्या प्लस कर दो, तो भाई 0 प्लस कर दो, 0 प्लस कर देंगे तो फिर आपको वही नंबर मिल जाएगा, इट इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 28 में प्लस लिखा हुआ, यानी 28 में क्या प्लस कर दो कि 0 मिल जाए, क्योंकि देखो ये इंटीजर रिलेटेड है, इंटीजर में माइनस और प्लस के साइन नंबर आपको मिलते हैं, उन साइन का ध्यान रखना होता है कि कैसे हम सोल्यूशन करें और आंसर आपको मिल जाए। देखिए 28 में कोई भी नंबर अगर आप प्लस करते हो तो भाई 0 तो नहीं आएगा ना, 28 में कोई भी नंबर, जैसे 1 ही प्लस कर देंगे तो 29 आ जाएगा, 28 में 0 प्लस करोगे तब भी 28 आएगा, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 28 में क्या प्लस कर दें कि 0 आ जाए। तो 28 में क्या करिए कि यहां पर हम लिख देंगे -28, यानी क्योंकि इंटीजर में लिखना होगा, 28 में माइनस कर दे 28 तो ये आपका 0 आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहां पर इसको राइट भी कर सकते हैं, तो 28 में क्या माइनस कर दे, तो 28 में -28 अगर हम लिख देंगे तो ये आंसर हमारा 0 मिल जाए, क्योंकि 28 में 28 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो इस तरह आपको फिलअप करने हैं, थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा, ये बिल्कुल इजली है, इनमें नंबर जो मैच हो वो मैच कराइए, जो नंबर नहीं मैच उसको फिल कर दीजिए। जब भी नंबर आपको प्लस करना हो तो वही नंबर अगर मिल रहा हो तो उसमें 0 लिख दीजिए, और नंबर में कह रहा हो कि क्या माइनस कर दो 0 मिल जाए, उसी नंबर को लिखिए, बस साइन चेंज कर दीजिए, जैसे आप +28 लिखा हुआ तो यहां पर क्या नोट कर दोगे, -28, इट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 कृष्णा जी आपको समझ में आ गए होंगे।
आ गए हो तो बहुत ध्यान से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जल्दी से अपने सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके भी कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे आप हमें जरूर लिखिए, आने वाली वीडियोस में इन सभी क्वेश्चंस की हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, प्रोवाइड करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पर जो भी बच्चे ना सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।